BHKSN Academy के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर के लिए हम लोग संसद के राज्यसभा के बाद दूसरे महत्वपूर्ण अंग यानी कि लोकसभा पर आज की इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। लोकसभा संसद का एक महत्वपूर्ण अंश और भाग है जो कि बहुत ही शक्तिशाली भी होता है। वो इसलिए भी होता है क्योंकि वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों से मिलकर के बनता है। और दूसरी तरफ विधि निर्माण में और बजट, इन दोनों ही मामलों में अगर देखा जाए तो लोकसभा की शक्तियां जो है अधिक होती है राज्यसभा से। इसलिए यह संसद का एक महत्वपूर्ण अंश होता है जो कि देश में कानून के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। तो इस तरीके से लोकसभा को जब भी देखा जाता है, सुना जाता है, तो ये महत्वपूर्ण बातें दिमाग में आती हैं कि यह एक कानून का निर्माण करने वाली संस्था होती है जिसके द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है और देश में उन कानूनों को लागू किया जाता है। तो आइए हम लोग इसके विभिन्न प्रकार के अंशों के प्रावधानों को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग गठन पर चर्चा करेंगे। लोकसभा में अगर सदस्यों की बात किया जाए तो लोकसभा अधिकतम 552 सदस्यों से मिलकर बन सकती है। 552 सदस्यों से मिलकर बन सकती है। इसमें 530 प्लस 20 प्लस 2, अभी 530 सदस्य राज्यों से होंगे, 20 संघ शासित क्षेत्रों से होंगे और 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहां पर इन सदस्य संख्या का चर्चा करने के दौरान एक बात को महत्वपूर्ण रूप से समझ लेना आवश्यक है कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 126वां विधेयक के रूप में था, इसके माध्यम से लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो प्रोविजन थे, जो रिजर्वेशन थे, उसको आगे बढ़ाया गया है। लेकिन यहाँ पर आंग्ल भारतीय समुदाय जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उनके रिजर्वेशन की बात नहीं कही गई है। तो ऐसी स्थिति में इसकी सदस्य संख्या 552 की जगह 550 हो सकती है और ऐसी स्थिति में 530 और 20 सदस्यों की बात स्वीकार की जाएगी। और वर्तमान समय में देखा जाए तो इसकी सदस्य संख्या 545 है। वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या है। इसमें से जो है 530 प्लस 13 प्लस 2, ये वर्तमान समय में सदस्य संख्या लोकसभा की है। तो लोकसभा 530 प्लस 13 प्लस 2 सदस्यों से मिलकर बनी है। लेकिन यहां पर ये 2 सदस्यों की बात को 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तित करने की बात कही गई है। तो ऐसी स्थिति में 530 और 13 मिलकर के 543 सदस्य होंगे। तो ये हमने बात किया सदस्यों के संदर्भ में। दूसरी तरफ अगर विभिन्न राज्यों में, संघ राज्य क्षेत्रों में इनके सदस्यों की संख्या को, इनकी सीटों के आवंटन को देखा जाए तो सभी राज्यों में इनकी सीटें हैं लोकसभा में। इसी तरीके से संघ शासित क्षेत्रों में भी सभी का प्रतिनिधित्व है लोकसभा में। और जब हम राज्यसभा की चर्चा कर रहे थे तो वहां पर हमने बताया था कि दिल्ली और पांडिचेरी ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, किंतु इन्हें अन्य संघ शासित क्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी सदस्य संख्या, उनका जनसंख्या इतना कम है कि उन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। लेकिन लोकसभा में सभी राज्यों के साथ साथ सभी संघ शासित क्षेत्रों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। एक और बात यहाँ पर ध्यान में रखना आवश्यक है कि जो सीटों का आवंटन है उसमें जनसंख्या को, सीटों का जो आवंटन है उसमें जनसंख्या को ध्यान में रखा गया है। सीटों को, जनसंख्या को ध्यान में रखा गया है और जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जाएंगी इस तरीके से कि राज्यों को आवंटित की गई सीटें और उनके जनसंख्या के बीच का जो अनुपात हो वह सभी राज्यों में समान हो सके, क्योंकि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि इस तरीके की व्यवस्था अपनाई जाए जिसमें किसी भी व्यक्ति, संगठन, राज्य के साथ इस तरीके के दोहरा व्यवहार और कानून नियम न बन सके। यद्यपि
ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 60 लाख होगी उन पर यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि भारत में पूर्वोत्तर में कुछ ऐसे राज्य थे पहले जिनकी जनसंख्या काफी कम थी, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ परिवर्तन और छूट दिया गया था। तो जो लोकसभा की सदस्य संख्या है और विभिन्न राज्यों में लोकसभा की सीटों का आवंटन का आधार है वो जनसंख्या है। कई बार इससे संबंधित सवाल भी पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सीटों के आवंटन का आधार अगर आपसे पूछा जाता है तो वो जनसंख्या है और इस तरीके की सीटें आवंटित की गई हैं ताकि सीट और जनसंख्या के बीच का अनुपात सभी राज्यों में एक समान रह सके। जहां तक रही बात निर्वाचन की, तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचन की जो व्यवस्था है, जनता के द्वारा जब किसी का चुनाव सीधे किया जाता है तो प्रत्यक्ष होता है, और जब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किसी अन्य पदाधिकारी का चुनाव किया जाता है तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, जैसा कि पूर्व में बताया गया है। तो इस तरीके से इनका निर्वाचन जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है और इनके जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें गुप्त मतदान की जो व्यवस्था है वो भी मूलतः इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है ताकि मताधिकार का प्रयोग करते समय भारत के नागरिक और मतदाता निष्पक्ष रूप से और बिना किसी दबाव के अपने पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर सकें और लोकतंत्र के मूल्य और भावनाओं को जमीनी स्तर पर स्थापित कर सकें। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के साथ साथ गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई है। और सेम इसी का उल्टा, जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या इस तरीके के जो चुनाव है, राज्यसभा का जैसे चुनाव है, इसमें सब में अगर देखा जाए तो यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव की व्यवस्था की जाती है, इसलिए क्योंकि इनका जो चुनाव होता है ऐसे प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है जो कि जनता के द्वारा चुने गए होते हैं। तो इस तरीके से ये निर्वाचन की प्रक्रिया आप लोगों को स्पष्ट हो गई। इसी के साथ साथ कार्यकाल पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक क्रम है इसका। अगर हम राज्यसभा के टॉपिक पर जब अध्ययन कर रहे थे तो वहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि गठन, और गठन जब होगा तो निश्चित सीटें या सीटों का मतलब सदस्यों से है, तो उन सदस्यों, फिर सदस्यों का निर्वाचन, जब निर्वाचन होगा तो कार्यकाल, फिर उस कार्यकाल के दौरान उनका बैठक भी होगा, बैठकें भी होंगी, तभी तो विभिन्न प्रकार के नियमों पर हम लोग कानून बना पाएंगे या संसद में जो है कानून बनाया जा सकेगा। योग्यता शर्तें, पीठासीन अधिकारी, तुलना का मतलब यहां पर राज्यसभा और इसी तरीके से लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों की है, यानी कि अध्यक्ष और सभापति के बीच में है। प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था की गई है, स्पीकर के कार्य हैं सदन के नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष। इन सभी बिंदुओं पर हम आज के इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो जब हम राज्यसभा के बारे में बात कर रहे थे तो लगभग अगर देखा जाए तो यहां तक की व्यवस्था सेम है। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर के कार्य और सदन के नेता प्रतिपक्ष, ये वहां भी हम चर्चा करते समय ये बात बता सकते हैं, लेकिन एक ही टॉपिक, एक ही व्यवस्था को दो बार देखना और दो बार उल्लेख करना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में लोकसभा पर चर्चा करने के दौरान इस प्रकार के टॉपिक को यहाँ शिफ्ट किया गया है। ये क्रम इसलिए बताया गया है कि जब कभी भी एग्जाम में लिखना हो तो आप लोगों को ये क्रम ध्यान में होना चाहिए, और जब एक बार ये क्रम देख लेंगे तो अभी तो हम यहाँ पर संसद के बारे में बात कर रहे हैं, जब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधानमंडल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो वहां पर भी यही फॉर्मेट होगा, बसते उनमें कुछ प्रावधान में अंतर होगा। इसलिए जब भी कभी कोई भी लेक्चर लिया जाता है तो उस लेक्चर के दौरान एक फॉर्मेट बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कोई भी आपकी समझ, आपकी जानकारी और तैयारी जो है वो तथ्यात्मक होकर के बिखरा ना हो, बल्कि वो एक स्ट्रक्चर में जो है, एक ढांचे में व्यवस्थित हो, जो कि आपके लिए ड्यूरेबल हो, एग्जाम में लिखने में आपको आसानी प्रदान करे। तो इस तरीके से हम लोगों ने निर्वाचन को यहाँ पे देखा। एक और बातें यहाँ पे है
61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से मतदाता की उम्र को 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी भारतीय नागरिक जो मतदाता सूची में शामिल है और मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए लगातार इस तरीके के कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के द्वारा समय समय पर जारी किया जाता है, मतदाता पुनरीक्षण किया जाता है, जिससे जो मतदाता जो है नए 18 वर्ष की उम्र में आए हो उनको उस सूची में शामिल किया जा सके, ताकि लोकतंत्र में उन सभी लोगों को जो योग्य हैं मतदान के लिए उन्हें शामिल किया जा सके। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका निधन हो गया है, जिनकी मृत्यु हो गई है, उन्हें उस सूची से बाहर किया जा सके और सूची को अपडेटेड किया जा सके। तो ये समय समय पर कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी हम कार्यकाल पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पूर्व में राज्यसभा में हम लोग चर्चा कर रहे थे तो राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है, उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जो कि प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त होते रहते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल 5 वर्ष लोकसभा का होता है, यानी कि सरकार इसी पैटर्न पर होती है और वो भी 5 साल के लिए सामान्यतः होती है। लेकिन एक ऐसी स्थिति हो सकती है जबकि देश में इमरजेंसी लागू हो तो वहां पर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, जो कि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा, और ऐसे करके लोकसभा के कार्यकाल को कई वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1977 में देखा जाए तो इमरजेंसी उस दौरान जब लागू की गई थी तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। तो इस तरीके से लोकसभा के कार्यकाल को इन आधारों पर बढ़ाया जा सकता है। बैठक की बात, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष हो गया, सामान्यतः कुछ समय में जो है ये बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जब लोकसभा गठित होगी तो वो कुछ कार्य करेगी और उस कार्य के लिए बैठकों की आवश्यकता जो पड़ती है, और लोकसभा की जो बैठक है वो 6 माह में आयोजित की जाएगी, यानी कि 1 वर्ष में 2 बैठकें होंगी, और 1 बैठक की अंतिम तिथि, जैसे कोई भी यहाँ पे बैठक हुई और यहाँ तक चली, मान के चलिए कि 20 दिन का हो गया, तो यहाँ पे इस बैठक की अंतिम 20वें दिन और अगली बैठक जब होगी उसके पहले दिन, इसके बीच में 6 माह से अधिक का गैप जो है नहीं हो सकता है, यानी कि साल में न्यूनतम 2 बैठकें जो है होना आवश्यक है, लोकसभा की 2 बैठकें होना आवश्यक है। इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का भी मामला है और इसके लिए कोरम निर्धारित किया गया है, जिसे गणपूर्ति कहा जाता है, और ये समस्त सदस्यों के जो है 1/10 सदस्य से कम नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ये 1/10 सदस्यों से कम होता है तो उस बैठक को स्थगित भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से बैठकों के संदर्भ में योग्यता है। योग्यता पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। जहां तक योग्यता की बात है तो ये भारत के नागरिक हों और 25 वर्ष की आयु, राज्यसभा में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो इसको ये बताया गया था कि वहां 30 वर्ष की आयु होती है, लेकिन यहां पर 25 वर्ष की आयु होती है। उनकी आयु ज्यादा इसलिए रखी गई है, वो अनुभवी लोगों का सदन है और वहां पर उनकी आयु 30 वर्ष रखी गई है। भारत का नागरिक हो और यहाँ पर 25 वर्ष उसकी आयु पूरी हो चुकी हो और ऐसे उन मानकों को, नियमों को, शर्तों को पूरा करते हो जो कि समय समय पर संसद के द्वारा स्वयं लोकसभा के लिए बनाया जाता है। तो इस तरीके से योग्यता में मूल रूप से 3 बातें हैं, एक तो भारत का नागरिक, दूसरा आयु 25 वर्ष, तीसरा संसद के द्वारा इसके लिए अगर कोई नियम बनाया जाता है तो उन नियमों को भी पूरा करना, शर्तों को पूरा करना होगा। इसी तरीके से शर्तें हैं, वो किसी लाभ के पद पर ना हो, पूर्व में भी चर्चा किया गया, आज भी किया जा रहा है, वो लाभ के पद पर ना हो, और एक दूसरा टर्म है कि वो अनुमोचित दिवालिया या विकृत चित्त का ना हो, यानी कि उसे साधारण शब्दों में कहा जाए तो वह पागल और दिवालिया ना हो। अनुमोचित और विकृत चित्त, अनुमोचित दिवालिया और विकृत चित्त का मतलब पागल और दिवालिया ना हो। इसी तरीके से वो किसी ऐसे निगम में जो है पदधारी ना हो जहां पर सरकार का हिस्सा 25% से अधिक हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
उसे किसी भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार न दिया गया हो या किसी भी अपराध के मामले में 2 वर्ष की सजा। यहाँ पर दो चीजें हैं, अगर वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो उसके लिए किसी भी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष के काल की बात नहीं कही जाएगी, केवल भ्रष्टाचार के मामले में अगर दोषी करार दे दिया गया तो वह यहाँ पर लोकसभा सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई होगा, अनर्ह हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो किसी आपराधिक मामले में, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो या ना हो, वहां 2 वर्ष की बात कही गई, 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा अगर प्राप्त कर लेता है तो वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और लोकसभा का सदस्य वो बनने के लिए योग्य नहीं होगा। तो इस तरीके से योग्यता शर्तें, और एक चीज यहाँ पर घोषणा शब्द लिखा गया है, 2002 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार निर्वाचन आयोग ने 2003 ईस्वी से ये व्यवस्था किया हुआ है कि लोकसभा के चुनाव में नामांकन के समय, जिसे बोला जाता है पर्चे भरने के दौरान, इनको जो है अपने आपराधिक पृष्ठभूमि, अपनी शैक्षिक योग्यता और इसके साथ साथ अपने स्वयं, चाहे वो अगर फीमेल है तो अपने पति के बारे में, और मेल है तो अपने पत्नी के साथ साथ अपने आश्रितों के नाम पर चल और अचल संपत्ति की भी घोषणा करनी पड़ेगी। यानी कि घोषणा 3 प्रकार से होगा, एक तो आपराधिक पृष्ठभूमि, दूसरा संपत्ति का मामला है, और तीसरा जो है शिक्षा मामला, इससे संबंधित घोषणाएं की जाएंगी। यह ऐसा इसलिए किया गया है, इससे तो एक ये हमारे लोकसभा का जो संरचना है उसमें ये जानकारी प्राप्त हो सके कि लोगों के शिक्षा का स्तर क्या है, और उसके आधार पर संपत्ति की भी घोषणा की गई है, क्योंकि कई बार ऐसे मामले हो गए हैं कि आय से अधिक संपत्ति के मामले आते हैं, और यदि किसी निश्चित समय पर किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी आय को घोषित किया गया है तो एक निश्चित समय के बाद उसकी आय की घोषणा या आय के अनुमान के आधार पर यह देखा जा सकता है कि तुलनात्मक रूप से पूर्व के समय से एक निश्चित समय के बाद उसकी आय में कितनी वृद्धि और बढ़ोतरी हुई है। तो ये 2003 से यहाँ पर ये व्यवस्था किया जाता रहा है। अब हम आते हैं पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी का माध्यम ये है कि अगर कोई भी जैसे समिति है तो समिति का अध्यक्ष होता है, कोई आयोग है उसका अध्यक्ष होता है, उसी तरीके से सदन जो बनाया गया है उन सदन में भी जो है एक अधिकारियों की व्यवस्था की गई है, ताकि सदन अपने द्वारा बनाए गए नियमों, कार्य संचालन प्रक्रिया के अनुसार संचालित हो सके, कानून बनाने में लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं का अनुपालन हो सके, इसके संदर्भ में पीठासीन अधिकारी को शक्तियां भी दी गई है कि वह समय समय पर सदन को स्थगित भी कर सकता है, ताकि एक अनुशासन की व्यवस्था को बनाए रखा जा सके और लोकतांत्रिक मूल्यों को जमीनी स्तर पर उतारा जा सके। तो इसके लिए अगर देखा जाए ऐतिहासिक रूप से 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इस पद का जो गठन किया गया था, और 1925 ईस्वी में आपको हिस्ट्री का सवाल है, ध्यान भी होगा कि विट्ठल भाई पटेल को जो है इसका जो है 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। विट्ठल भाई को 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। पीठासीन अधिकारियों के रूप में देखा जाए तो आर्टिकल 89 और आर्टिकल 93, ये 2 आर्टिकल है, इसमें जो है राज्यसभा और इसमें लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति की बात। 89 में सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है, सभापति जैसा कि जानकारी है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होते हैं, और यहां पर अपने सदस्यों के द्वारा ही राज्यसभा के सदस्य जो है अपने सदस्यों में से ही एक सदस्य को उपसभापति के रूप में नामित करते हैं, और जब जब यह पद रिक्त होता है तब तब वह अपने सदस्यों में से ही एक सदस्य को इस कार्य के लिए चुनते हैं। इसी तरीके से 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था की गई है, सदस्य यथासंभव प्रथम बैठक में यथासंभव जैसा कि जल्दी हो अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं, और जब इनका पद रिक्त होता है तब पुनः उनके सदस्यों में से ही किसी को इस कार्य के लिए जो है चुना जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है
कि अगर तात्कालिक रूप से अचानक कोई पद रिक्त हो जाता है तो इसके सभापतित्व और इसकी अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा सदस्य के द्वारा किया जाता है जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नामित करते हैं। और यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष की और यहाँ पर उपसभापति की पैनल भी जारी होता है और सदस्यों के द्वारा उन्हीं में से चुनाव कर लिया जाता है, लेकिन अस्थायी रूप से उस व्यक्ति के द्वारा सभापतित्व या अध्यक्षता की जाती है जिसे राष्ट्रपति के द्वारा इस कार्य के लिए नामित किया जाता है। ये तीन कंडीशन होती है, एक तो जब वह पदाधिकारी जैसे उपसभापति है और यहाँ पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, अगर वह सदस्य नहीं रह जाता सदन का तो स्वयं उसका पद समाप्त हो जाएगा। दूसरा, वह अगर अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र भी दे देते हैं, ऐसी स्थिति में भी उसका पद रिक्त हो जाएगा। एक और कंडीशन बनती है, जब उसको हटाने का संकल्प जो है सदन में प्रस्तावित तो हो या सदन के द्वारा बहुमत से अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा उसको हटा दिया जाता है तो ये पद उनका समाप्त हो जाता है, यद्यपि उसको हटाने के लिए उसकी जो सूचना है कम से कम 14 दिन पूर्व में दिया जाना चाहिए। 14 दिन का जो इतिहास है, जो 14 दिन की कहानी है, वो लगभग पदाधिकारियों के लिए से उपराष्ट्रपति के संदर्भ में है, राष्ट्रपति के संदर्भ में है, कई लोगों के संदर्भ में इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ये तीन प्रकार के कंडीशन होते हैं जबकि उसको हटाया जा सकता, जबकि वो अपने पद पर नहीं रहेगा। प्रथम ये कि जब वो सदस्य ना हो, दूसरा ये कि जब वो त्यागपत्र दे दे, तीसरा कि जो है संकल्प को जो है उस सदन के द्वारा तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से जो पारित कर दिया जाए तो वह वहां पर सदस्य नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से पीठासीन अधिकारियों के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया। तुलना यहां पर दोनों की, यहां पर सभापति और यहां पर अध्यक्ष होते हैं, इनकी तुलना का क्या सवाल है। धन विधेयक के संदर्भ में अगर देखा जाए तो धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसके संदर्भ में राज्यसभा के सभापति को शक्ति नहीं होती है। इसी तरीके से अध्यक्षता अगर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करनी हो या संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाए, किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है, वह राज्यसभा के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से धन विधेयक के संदर्भ में और लोक इसी तरीके से संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में राष्ट्र लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां अधिक होती हैं। एक और कंडीशन बनता है, जब सभापति और अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उस स्थिति में वो सभापति के हैसियत से काम नहीं करेंगे और ना ही ये अध्यक्ष की हैसियत से काम करेंगे, इतना तो समान है। लेकिन यह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में वो सदस्य के रूप में मत नहीं दे सकते, लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष वह सदन का सदस्य भी होता है, ऐसी स्थिति में वह कास्टिंग वोट या निर्णायक वोट तो नहीं दे सकते लेकिन वह सदस्य की हैसियत से वोट दे सकते हैं। तो ये तीन प्रकार के महत्वपूर्ण अंतर यहां पर दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से, एक तो जबकि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो उसमें अध्यक्षता का मामला है, एक तो धन विधेयक के संदर्भ में मामला है और तीसरा जो है वोटिंग के संदर्भ में मामला है। एक यहाँ पर शब्द लिखा गया है प्रोटेम स्पीक, प्रोटेम स्पीकर, इसे जो है सामयिक अध्यक्ष भी कहा जाता है। सामयिक अध्यक्ष का तात्पर्य यह है कि जब लोकसभा के गठन के बाद प्रथम बैठक होती है तो उसमें राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर को जो है नामित किया जाता है। सामान्यतः वरिष्ठ व्यक्ति होता है, अनुभवी व्यक्ति होता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर के रूप में बना दिया जाता है। और इस स्पीकर का काम दो महत्वपूर्ण होता है, सभी सदस्यों को शपथ दिलवाना और जल्द से जल्द जो है एक अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति में सहयोग करना। और इस अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही प्रोटेम स्पीकर का दायित्व तो और पद समाप्त हो जाता है, यानी कि ये अस्थाई प्रकार का जो पद है जो कि अध्यक्ष के चुनाव और शपथ ग्रहण के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर सामयिक अध्यक्ष होता है। स्पीकर के कार्य, स्पीकर जैसे यहां पे होता है वैसे वहां पे सभापति होते हैं जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं।
तो स्पीकर के कार्य को अगर देखा जाए तो सदन में जो है वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए, चाहे वो विधेयक के संदर्भ में हो, चाहे नियम बनाने के संदर्भ में हो, चाहे विभिन्न प्रकार के समितियों के संदर्भ में हो, तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वह इस तरीके की भूमिका अदा करता है जिससे सदन लोकतांत्रिक मूल्यों और सदन के कार्य संचालन नियमों का अनुपालन करते हुए सत्र को आगे बढ़ा सके। तो सबसे पहली बात तो यह है कि स्पीकर का यह कार्य है कि वो सदन के जो है प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों को बनाता है और उसकी व्याख्या करता है, उसका निर्णय अंतिम होता है। दूसरा, बैठकों की व्यवस्था करते हैं, विभिन्न विषयों पर जो बैठकें होती हैं उसकी भी व्यवस्था किया जाता है और बैठकों के साथ साथ उसकी गणपूर्ति को भी सुनिश्चित करते हैं जो कि 1/10 होता है जैसा कि बताया गया, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वह स्थगित भी कर सकते हैं सदन को। और अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि वह सदन के नेता से चर्चा करके, सदन के नेता के बारे में यहाँ पर एक पॉइंट बनाया गया है, अभी इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सदन के नेता से विचार विमर्श करके विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए समय निर्धारित करते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा जो अभिभाषण प्रस्तुत किया जाता है उसके उत्तर के लिए जो भाषण दिए जा रहे हैं उसका भी समय निर्धारित किया जाता है। और इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि वह धन विधेयक पर अपना निर्णय देते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उनका जो प्रमाण पत्र लगेगा वही अंतिम होगा। इसी तरीके से संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जैसा कि बताया गया, और सदन में अगर बराबर का मत होता है किसी भी विषय पर तो वहां पर ये निर्णायक वोट देते हैं। कौन देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। इसी तरीके से अगर सदन का नेता उसके परामर्श पर आवश्यकता हुई तो गुप्त बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं और अपरिचित लोगों को सदन से बाहर रहने की भी अपेक्षा अध्यक्ष के द्वारा किया जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सभापति के रूप में या अध्यक्ष के रूप में, ये जैसे सदन में अनुपस्थित कोई सदस्य है या दल बदल का जो है कोई मामला है, तो अनुपस्थिति और दल बदल के संदर्भ में यह अर्हता और निरर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के संदर्भ में निर्णय लेते हैं कि वह व्यक्ति अर्ह है, क्वालिफाई है या नहीं है। इसमें भी बताया गया कि अनुपस्थिति 60 दिनों के लिए देखी जाती है, अगर 60 दिनों तक कोई सदस्य अनुपस्थित है तो वहां पे अध्यक्ष के द्वारा यह निर्णय लिया जा सकता है कि उसे वह अनर्ह घोषित कर सकते हैं। तो इस तरीके से लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ये निर्णय समय समय पर किया जाता है। इसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं जिसके अध्यक्ष भी होते हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज ये जान लेना आवश्यक है कि जो संसदीय संघ है, अंतर संसदीय संघ है और विभिन्न प्रकार के जो विधिक निकाय है उसके पीठासीन अध्यक्षों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी इन्हीं स्पीकर के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ ये कार्य मंत्रणा समिति, नियमित समिति, कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समितियों के अध्यक्ष भी होते हैं। तो स्पीकर एक बहुआयामी दायित्वों का निर्वहन करते हैं, एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं जिनके द्वारा सदन के सत्र में नियम व्यवस्था अनुशासन को बनाए रखते हुए विभिन्न विषयों पर कानून का निर्माण करने में सहयोग प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से स्पीकर एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। सदन में नेता का तात्पर्य है, सदन का तात्पर्य जैसे लोकसभा और राज्यसभा से है, और उस सदन का अपना एक नेता होता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री यदि लोकसभा के सदस्य हैं तो वही सदन के नेता भी होते हैं, और यदि लोकसभा के नहीं होते हैं तो उनके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति या कोई मंत्री जो है वो सदन का नेता होता है। इसी तरीके से राज्यसभा में भी सदन के नेता होते हैं, और नेता के साथ साथ में सदन में नेता प्रतिपक्ष भी होता है। प्रतिपक्ष का तात्पर्य विपक्ष से, यहाँ पे विपक्ष का जो महत्वपूर्ण नेता होगा या उस पार्टी के द्वारा इस कार्य के लिए घोषित किया जाएगा वो नेता प्रतिपक्ष होता है। कई बार हम लोग जो है न्यूज़पेपर में या रेडियो के समाचार सुनते समय ये देखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा इस मामले का विरोध किया गया या इस पर अपने जो है भाषण प्रस्तुत किया गया या इस पर जो है विचार व्यक्त किया गया। तो नेता प्रतिपक्ष का मतलब यह है कि विपक्षी दल का जो है उस सदन में उस राजनीतिक दल के द्वारा घोषित किया गया जो है नेता या लोकसभा का सदस्य नेता प्रतिपक्ष होता है। तो इस तरीके से आज के इस टॉपिक में जो कि संसद के अंतर्गत लोकसभा था उस पर हम लोगों ने चर्चा किया, और एक सिस्टमेटिक ढंग से यानी कि गठन, सदस्य निर्वाचन, कार्यकाल, बैठक, योग्यता, पीठासीन अधिकारी होगा, इस सदन होगा, फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा राज्यसभा और
अन्य टॉपिक को जो है यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूं कि ये संसद का एक महत्वपूर्ण अंग जो कि राज्यसभा और राष्ट्रपति के साथ मिलकर के संसद का जो है संरचना बनाता है, निर्माण करता है, उसके बारे में आप लोगों को एक बेहतर समझ आई होगी। और चैनल के कुछ मानकों को ध्यान में रखते हुए और हमारी क्रिएटिव टीम की जो है डिमांड पर आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्रिप्शन ही जो है क्रिएटिव टीम के लिए जो है संतुष्टि होती है और उनके मेहनत का परिणाम होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियोज़ के लिए इसके बेल आइकन को टैप कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप अपनी तैयारी को अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखते हुए आगे बढ़ाएं। पुनः एक नए लेक्चर में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।